यूपी के हाथरस जिले में शहर के चमाड़ गेट के चौराहे पर सुबह दो मासूम बच्चियों को रोता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई। पुलिस बच्चियों के स्वजन की तलाश कर रही है। मौके से दोनों मासूम बच्चियों को कुछ लोगों द्वारा थाना कोतवाली सदर पहुंचाया गया। सुबह चमाड़ गेट के चौराहे पर कुछ लोगों ने दो मासूम बेटियों को रोते पिलखते देखा तो लोगों का जमावड़ा लग गया। बच्चियों से पूछताछ की तो वो कुछ बोल नहीं सकी। एक बच्ची मासूम थी जो लगभग 8 महीने की हो सकती है तथा उसकी दूसरी बहन सिर्फ इतना बता रही थी कि मेरे पिता का नाम याकूब है। लोगों ने थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ समय तक पुलिस नहीं पहुंची तो कुछ लोग एक महिला को साथ लेकर थाना कोतवाली सदर पहुंच गए। थाना कोतवाली शहर में बैठी भूदेवी ने बताया कि मेरा मकान चवाड़ गेट चौराहे पर है। यहाँ दोनों तखत पर बैठी थी। एक रो रही थी जो यह नहीं बता पा रही थी कि वह कहाँ से आई है, कौन छोड़ गया है। सिर्फ इतना बता रही थी कि मेरे माँ बाप चले गए। थाना कोतवाली सदर पुलिस इनके संबंध में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। आखिर ये बच्ची किसकी है और इनके माता पिता उनको क्यों छोड़कर चले गए। अब पुलिस सबसे ज्यादा परेशान है कि इन मासूम बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए किसको दिया जाए। कुछ लोग इन बच्चियों को लेने के लिए भी पहुंच गए हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट।